नमस्ते दोस्तों, ये जैसा आप देख पा रहे हैं आज हमने एक एम्पलीफायर बनाया है। ये 3055 और 3773 दोनों ट्रांजिस्टर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब चारों एक ही नंबर के यूज़ करने हैं। इसमें हमारे 3773 लगे हुए हैं तो इसका आउटपुट लगभग 250 वॉट होता है। और ये हमारे 12012 के ट्रांसफार्मर या 18018 या 24024 तक की सप्लाई हम इसे दे सकते हैं ट्रांसफार्मर से। तो ये हमने ट्रैक्टर के लिए बनाया है तो ट्रैक्टर के ऊपर हम ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट होता है वो एसी से होता है। तो उसके लिए हमने एक कन्वर्टर यूज़ किया है जो कि 12 से 24 वोल्ट तक कन्वर्ट करके देता है। तो इस कन्वर्टर से हमने इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड को सप्लाई दे दी है। तो इसका फुल मेकिंग प्रोसेस हमने जो वीडियो है वो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि पहले हमारे एक वीडियो में इसका जो फुल मेकिंग प्रोसेस है वो पहले से है, तो हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। अब इसके जो कैप होते हैं वॉल्यूम के वो लगने बाकी हैं तो पहले वो लगा लेते हैं हम। तो इसके वॉल्यूम कैप लगने के बाद इसका फ्रंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। और अब ये ऊपर से ओपन है इसका कैबिनेट, तो पहले हम इसे बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसमें फ़ैन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये 3773 इतने गर्म नहीं होते। वैसे ये ट्रांजिस्टर ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ओरिजिनल की जो मार्केट में रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी जो है इसमें यही लगा कर देती है। बाई चांस अगर कोई फॉल्ट होता है तो हम इसे चेंज कर देंगे जिससे हमारे उसकी लाइफ और भी बढ़ जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं इसके सारे कनेक्शन आपको देखने हैं तो जो इसका पहले वीडियो आया है उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें बैश ट्रेबल के सारे जो वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं वो लगे हुए मिलेंगे हमें, तो हमें सीधे से यहाँ लाकर कसने हैं उन्हें। और ये आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट राइट इनपुट, तो इनपुट हम बीटी कार्ड से देंगे। और 5 वोल्ट सप्लाई भी इसमें पीछे की तरफ आपको मार्क मिलेगा। हमारे पिछले वीडियो में जैसा हमने बताया है इसी बोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसमें हम इसे बैटरी से चलाते हैं, तो बैटरी से नहीं चलाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप इसके वोल्टेज बढ़ाकर ये कन्वर्टर लगाकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसका कैप लगा देते हैं ऊपर वाला कैबिनेट का। आप देख पा रहे हैं हमने इस कैबिनेट को पैक कर दिया है और ये हमारे 12 वोल्ट DC मिलती हैं जिससे हमें ये एक चार्जर है जो कि बैटरी चार्ज करते हैं, लेकिन हम इसे 12 वोल्ट की बैटरी की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये DC आउटपुट देता है। तो पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं, फिलहाल ये यहाँ से बंद है। तो इसे टेस्टिंग के लिए हम ये वाले स्पीकर यूज़ करेंगे, ये जैसा आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग से पहले मैं ये बता दूं कि जो हमने अपने पिछले वीडियो में जो कि हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वो वाला सर्किट और इसमें जो लगा है एम्पलीफायर सर्किट वो थोड़ा अलग है। ये वाला सर्किट उससे लाख गुना अच्छा है चलने में क्योंकि इसमें जो मिनिमम वोल्टेज इनपुट के लिए सप्लाई जो रिकमेंडेड हैं वो हैं सिर्फ 12 वोल्ट और उसमें हैं 24 वोल्ट, तो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है जितना कि इसका है। तो पहले हम इसे ऑन करते हैं। ये बहुत ही लाउड है, तो हम इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे। दोस्तों इसका आउटपुट जैसा आपने सुना बहुत ही अच्छा है। फिलहाल हमने सिर्फ इसके एक चैनल पे टेस्ट किया है, तो इसमें डबल चैनल है और दोनों में दो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 3773, और दोनों चैनल में
हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि हम इस पर डबल लोड दे के चला सकते हैं। और ये हमारे जो 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई है उसमें सिर्फ 10 एम्पियर आ रहे हैं, तो हम इसे ट्रैक्टर की बैटरी पर लगाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।